हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था. ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं. ओके, जैसे अब यहाँ पे देखो, आप पिक्चर में क्या दिया हुआ है, लुक द पिजन्स हैव लेड एग्स इन द नेस्ट, सून बेबी पिजन्स विल हैच फ्रॉम दीज एग्स, माई कैट ऑल्सो गेव बर्थ टू टू किटन्स बट दे डिड नॉट हैच फ्रॉम द एग्स लाइक पिजन. ओके, सम एनिमल्स गेव बर्थ टू द यंग वंस वाइल सम एनिमल्स लेज एग्स. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पिजन है उसने अपने नेस्ट में क्या दिया है, एग्स दिए हैं. ओके, अब इस एग, ये एग क्या होएगा, हैच होएगा. हैच मीन्स मतलब उस एग से उस बेबी का बाहर आना, उस ऑफस्प्रिंग का बाहर आना. ओके, लेकिन द बॉय सेड क्या कह रहा है कि जो मेरी कैट है उसने दो किटन्स को बर्थ दिया है, दे आर नॉट हैच फ्रॉम द एग्स, वो एग से बाहर नहीं आए हैं, कैट ने डायरेक्टली बर्थ दिया है टू किटन्स को. तो जो ये ओल्ड मैन है ये क्या कह रहा है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, एग्स ले करते हैं. ओके, नाउ मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, बट देयर आर सम एनिमल्स विच प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ देयर ओन बॉडी. ओके, तो क्या होता है, कुछ एग्स से एग्स देते हैं. ओके, कुछ क्या होते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बॉडी के किसी पार्ट को अलग करते हैं और अपने जैसा ही सेम प्रोड्यूस करते हैं. ओके, आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो अपने बॉडी के पार्ट को अलग करते हैं और अपने जैसा ही सेम प्रोड्यूस कर देते हैं. इंडिविजुअल मतलब अपने जैसा ही एक और क्या हो जाता है, उस बॉडी पार्ट से डेवलप हो जाता है. ओके, दिया हुआ है एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. ओके, जिसमें पेरेंट दोनों की, फादर की भी मतलब और मदर भी, ठीक है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती, मतलब मेल की भी इन्वॉल्वमेंट है और फीमेल की भी इन्वॉल्वमेंट है. ओके, उसमें क्या होता है, या तो एग देगा या फिर डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देगा. दूसरा प्रोसेस क्या होता है, थ्रू अ सिंगल पेरेंट, कि सिर्फ एक पेरेंट की हेल्प से क्या होता है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ देयर ओन बॉडी, अपने किसी बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, हेयर एनिमल्स मीन्स एनिमल किंगडम. एनिमल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे जितना भी एनिमल्स हैं उन सब की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स. ओके, अब जो एग देते हैं, जो एग्स ले करते हैं, वो कौन से एनिमल्स हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल्स व्हाइल मैमल्स गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. ओके, रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द पेरेंट्स अलाउज फॉर ग्रेटर वेरिएशन विद इन स्पीसीज. ओके, तो कौन कौन से हैं जो एग देते हैं, फिश हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं. ओके, जैसे आपका क्या है, बटरफ्लाई है, वो क्या करती है, एग देती है, एग ले करती है, फ्रॉग है, एग ले करता है, कॉकरोच है, एग ले करता है, ये सब क्या हैं आपके, चिकन हैं, ये भी क्या करता है, एग ले करते हैं, जिससे हमारे, जिससे एनिमल्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. दूसरा, मैमल्स कौन कौन से हैं, जैसे हॉर्स हो गया, कैट हो गया, डॉग, ह्यूमन बींग्स, ये क्या करते हैं, अपने ही जैसे सिमिलर को बर्थ देते हैं. ओके, फर्स्ट इज एग लेइंग एनिमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. मेल सेल्स आर डिलीवर्ड इन टू द बॉडी ऑफ द फीमेल वेयर दे फ्यूज टू प्रोड्यूस एग्स. एग्स हैच इन टू न्यू ऑफ स्प्रिंग. रेप्टाइल्स और बर्ड्स में क्या होता है, जो मेल सेल्स होते हैं उनको हम डिलीवर करते हैं फीमेल में. ओके, जिससे क्या बनता है, आपका एग बनता है. फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, पहले भी बताया था आपको, फ्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक तरह से मिक्स होना. ओके, जब मेल सेल्स फीमेल सेल्स के साथ मिक्स करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, एग बनेगा. ओके,
आपके, उसके बाद एग क्या होगा, हैच होगा और उसमें से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। हैच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब एक तरह से लगा लो कि जैसे आपका जो एग है, हैच का मतलब, हैच मतलब उससे बाहर आना, ठीक है। पहले वो जो आपका बेबी था, जैसे चिकन होते हैं, ठीक है, उस चिकन में क्या होता है आपके पास, एग के अंदर क्या होता है, चिक होता है, ठीक है। लेकिन जब वो एग से बाहर आता है, चिक, दिस प्रोसेस इज द हैचिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस एंड फिश। अब जो एम्फीबियंस और फिश हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स आउटसाइड देयर बॉडी, ओके। फीमेल्स जो होती हैं वो अपने एग को बाहर प्रोड्यूस कर देती हैं, ओके। उसके बाद जो मेल होते हैं वो उस एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, ओके। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट प्लांट्स वाले चैप्टर में भी, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पर आपका फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, जब वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, ओके, वहाँ पे क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, ओके। द फर्टिलाइज्ड एग्स हैच इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेप्टाइल्स का आपका एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्नेक्स हैं, ओके। तो क्या होता है, इसमें मेल से डायरेक्टली फीमेल में एग डिलीवर होता है और वो फ्यूज़ करता है। लेकिन एम्फीबियंस और फिश में क्या होता है, पहले फीमेल अपने एग को बाहर छोड़ देती है, उसके बाद मेल उस एग को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, देन इट बिकम्स अ एग, और फिर एग बनने के बाद क्या होता है, हैच होके एक नया ऑफस्प्रिंग आ जाता है, ओके। नाउ हैचिंग ऑफ एग्स, कैन द एग्स विच वी स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो हैच इफ वी डू नॉट डिस्टर्ब देम। ये बच्चा क्या कह रहा है कि जो एग्स हम खाते हैं जैसे, ठीक है, अगर हम उनको डिस्टर्ब ना करें तो क्या वो एग्स भी हैच कर सकते हैं, ओके। देन द ओल्ड मैन सेड, नो चिनमैन, एन एग हैचेस ओनली व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। एग सिर्फ तभी हैच होता है जब उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वार्मथ मिलता है, ओके। वार्मथ मीन्स गर्मी मिलती है, जैसे आपके जो चिकन होते हैं बेटा, ठीक है, चिकन में क्या होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, एग ले कर दिया, एग ले करने के बाद आपका क्या होगा, उस वो एग की क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग क्यों होती है, ताकि आपका जो अंदर का पार्ट है एग का वो ड्राई ना हो, ठीक है। एग को हैच करने के लिए जो फीमेल हैन होती है वो एग के ऊपर बैठती है, ताकि उसको एक प्रॉपर वार्मथ मिल सके, प्रॉपर टेम्परेचर उसको मिल सके, तभी वो एग क्या होएगा, हैच होएगा, ओके। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन बोलते हैं, ओके। तो उसको एक राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ मिलेगा, तभी वो एग क्या होएगा, हैच होएगा, ब्रेक होएगा, ओके, और तभी उससे क्या होएगा, ऑफस्प्रिंग बाहर आएगा, ओके। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स सिट्स ऑन देयर एग्स टू गिव देम वार्मथ फॉर अ फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, इट इज़ कॉल्ड द इनक्यूबेशन पीरियड। द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग्स इज 21 डेज, वाइल दैट फॉर ऑस्ट्रिच इट इज़ फॉर 42 डेज, ओके। चिकन के लिए कितना है इनक्यूबेशन पीरियड, 21 डेज है, लेकिन ऑस्ट्रिच के लिए कितना है, 42 डेज है। द एग हैचेज इन टू ए न्यू बेबी आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द इनक्यूबेशन। तो एग हैच होने के बाद क्या होएगा, एक नया बेबी आपका बाहर आएगा जब आपका इनक्यूबेशन पीरियड कम्प्लीट हो जाएगा, ओके। जनरली फिश एंड एम्फीबियंस डू नॉट इनक्यूबेट देयर एग्स। तो जो फिश होती हैं और एम्फीबियंस होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, अपने एग्स को इनक्यूबेट नहीं करते, वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वार्मथ नहीं देते हैं, ओके। इन्फोबिट में आपको क्या दिया हुआ है, प्लैटिपस एंड एचिडना लेज एग्स तो दे आर मैमल्स। तो ये प्लैटिपस और एचिडना क्या है, मैमल्स हैं, फिर भी ये क्या देते हैं, एग्स देते हैं। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द मैमल्स जो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं, ओके। यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है, इसमें क्या कर रहा है, एक हैन इनक्यूबेट कर रहा है एग्स को, ओके। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर्स आर यूज्ड टू हैच एग्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर द एग्स टू हैच इनटू न्यू बेबीज। द इनक्यूबेशन टेम्परेचर फॉर चिकन एग्स इज अप्रॉक्सीमेटली 37.5 डिग्री सेल्सियस। द फर्स्ट इनक्यूबेटर यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वॉज अ वुडन बॉक्स विद हॉट वाटर एंड कर्टेंस। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर्स भी यूज़ करते हैं एग्स को हैच करने के लिए, ओके।
तो चिकन के लिए कितना टेम्परेचर रखा गया है, 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा गया है आर्टिफिशियली, जिससे आपका एग क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। और जब आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तब आपका क्या किया गया था, फर्स्ट इनक्यूबेटर यूज़ किया गया था, जिसमें क्या था, हॉट वाटर और कर्टेंस थे। ओके, नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे।